तो आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माया में व्यू बोर्ड होता है, वैसे इधर जिस एरिया में होता है काम करने के लिए उसको हम व्यू नोड ग्राफ बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल। ये हमारा नोड ग्राफ है, ये प्रॉपर्टीज पैनल है, व्यूअर है, ये नोड पैनल है, एंड बाकी ऑप्शन इधर है। चलो आज हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेट्स। इमेज फॉर्मेट्स क्या होते हैं? तो इमेज स्टूडियोज में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इमेज फॉर्मेट्स यूज होते हैं इमेज सीक्वेंसेस के। तो वो इस बेसिस पे होते हैं कि उसमें इन्फॉर्मेशन कितनी स्टोर होती है। तो अभी हम अगर इधर देखें, इसमें एक दो मिसिंग है जो यूज होते हैं, बट डीपीएक्स सबसे पुराना है। डीपीएक्स एक फॉर्मेट था जो कि कोडाक ने बनाया था। ठीक है, उनका कलर स्पेस क्या था, सीनियन। इसका कलर स्पेस ऐसा रहता है, सीनियन कोडाक से बना हुआ है, वो कोडाक का ओरिजिन है उसका। कोडाक, आई होप यू तुम लोग को पता हो कोडाक क्या है। कोडाक हाँ सर, इज अ बिग नेम। ठीक है, तो डीपीएक्स सीक्वेंस बना था। फिर ओपन ईएक्सआर एक सीक्वेंस है जो अभी चल रहा है, एंड इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। तो अभी हम थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज का मतलब क्या है, लाइक व्हाट इज इट यूजफुल फॉर। ठीक है, तो और फिर उसके बाद ये प्रोरेस, ये जो हमारा एप्पल में आता है बेसिकली, प्रोरेस 444 QX, इसमें हम कर सकते हैं, वो एप्पल में आता है। एप्पल बेसिकली FCP में इसका आउटपुट निकलता है, प्रीमियर प्रो में निकलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेट्स हैं। और एक और फॉर्मेट है, टागा भी है, टागा भी यूज करते हैं, वो भी अच्छा इंफॉर्मेशन, बट अभी हाईएस्ट क्वालिटी की अभी जो इमेजेस स्टोर करता है वो है, मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इमेजेस में, वो है ओपन ईएक्सआर या ईएक्सआर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, एक सबसे पहले हम इस वाले बैकड्रॉप पे जाते हैं। तो इस बैकड्रॉप पे हमारा क्या लिखा हुआ है, एसडीआरआई इमेजेस। तो एसडीआरआई इमेजेस हम लोगों ने वीरे में कर रखा है। क्या होता है एसडीआरआई इमेजेस, था हाई डायनामिक रेंज इमेजेस। का जो रेंज होता है कलर इंफॉर्मेशन का या अलग दूसरी इंफॉर्मेशन का, वो रेंज हाई होती है। इसलिए इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, हमारा फॉर्मेट भी इसका कई बार अलग होता है। अभी तो EXR है, बट इसका डॉट HDR भी होता है। तो वो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें लाइट्स जो होती हैं वो बेक्ड होती हैं। लाइट्स जो भी हैं वो बेक्ड होती है, इस वजह से उसको जब हम माया में यूज करते हैं एज एन एनवायरमेंट डोम लाइट में, तो वो लाइट अप कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये होता है, दिस इज व्हाट इट मींस बाय स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। अभी हम इसको देखते हैं कैसे। अब अगर हम इसको व्यू करें, ये हमारे पास एक HDRI इमेज है, तो ये कुछ ऐसी लगती है, पैनोरामिक व्यू में ऐसा लगता है कुछ। ठीक है, तो अभी क्या किया, अभी हम इसमें क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये हाई डायनामिक रेंज इमेज है। एक हमारे पास फुटेज हम लेके आते हैं। फुटेज हम क्या लेके आते हैं, एक मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको लेके आता हूँ, क्रॉप एंड एलिगे। सो एक हमारे पास ये फुटेज है, एक ये फुटेज है। ठीक है, दिख रहा है सबसे ज्यादा डिटेल्स किसमें दिख रही हैं, एली एली वे के फोटो में ज्यादा डिटेल्स दिख रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा HDRI इमेज है, ये हमारा एली वे का है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिवे के इसमें थोड़ा सा हम लाइट की तरफ जाते हैं और हमारा गामा कम करते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा गामा कम करने से जो लाइट लाइट का इफेक्ट है वो कम हो रहा है, बट स्टिल जो हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, जो ब्राइटेंड अप पार्ट्स हैं, जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, वो वैसे ही हैं ऑलमोस्ट, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोगों ने जब गामा हाँ कम सर, किया तो हमको क्या हुआ, ये जो व्हाइट पैच है वो व्हाइट पैच वैसे का वैसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस इमेज पे। अब इधर क्या है, अब इधर हम एक ब्राइट पार्ट लेते हैं, इधर लेते हैं, इधर जाते हैं। ठीक है, इस ब्राइट पार्ट पे अगर हम जाएं, अगर हम इसको कम करेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही डल हो जाना चाहिए, राइट? बट अभी देखना क्या होगा,
हम अगर इसका गामा कम करेंगे सॉरी गामा नहीं माय बैड, हम एक बार फिर से इसको स्विच करते हैं। हाँ अब क्या करते हैं, इसका एक्सपोजर कम करते हैं, सॉरी गामा नहीं एक्सपोजर, एक्सपोजर कम करेंगे तो अभी क्या हो रहा है ये देखो ऑल ओवर एक्सपोजर कम हो रहा है और उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑल राइट वापस हम इस पर जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक्सपोजर कम करते हैं। तो एक्सपोजर कम करने से क्या होगा, दिखा क्या हुआ, एक्सपोजर कम करने से जो हमारी डिटेल्स थी वो वापस आ रही है। वापस अगर हम नॉर्मल फॉर्म पे जाते हैं तो ये देखो ओवर एक्सपोज्ड एरिया है, पिछले में हमारा क्या हो रहा था, पिछले में हम लोग यहाँ पे वाइप यूज करते हैं, बट वाइप यूज कैसे करें, दोनों का रेजोल्यूशन अलग है, एनीवे वाइप छोड़ो। तो हमारा क्या था, हमने उधर अगर एक्सपोजर किया उस सीन में तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर हम एक्सपोजर कम करें तो दिस इज नॉट एन इमेज दैट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, इसका इसका फॉर्मेट भी डिफरेंट है, ये शायद जेपेग है, तो जेपेग में इंफॉर्मेशन बहुत कम स्टोर हो रही है, तो हम इसका एक्सपोजर अगर कम करेंगे तो ये ऑलरेडी बेग्ड है तो इसमें हमको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख सकती है। ठीक है, तो वापस अगर हम क्या करें, वापस हम दूसरी इमेज पे आए और हम इधर जाएं जहाँ पे ब्राइट पार्ट था, हमने जैसे ही इसमें एक्सपोजर कम किया हमें क्या दिखने लगा, हमें जो बिल्डिंग थी वो दिखने लगी। तो ये फर्क होता है हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस या EXR इमेजेस या और जो हाई क्वालिटी या रेंज की इमेजेस होती हैं उसमें, कि हमें हर एक चीज की डिटेल्ड उसमें कैप्चर होती है, अनलाइक PNG, JPEG या और। ठीक है, इतना समझ में आया, ये हुआ हमारा HDR इमेजेस। अब ग्रिड इमेजेस बेसिकली क्या होता है, ग्रिड इमेजेस का टॉपिक थोड़ा छोटा है क्योंकि ये इसमें एरर आ गया, कोई बात नहीं ये वाला लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक मिनट, अभी हम ग्रिड का क्या करते हैं, ग्रिड ये है एंड इधर ऐसे किया है, दिस इज 14 mm ECC 4K, ठीक है। तो एक ये है ग्रिड, एक ये है ग्रिड, ठीक, दोनों हमारी अलग अलग या अलग अलग कैमरे से ही खींची गई हैं। ठीक है, नहीं एक ही कैमरे से खींची गई, तो एक कैमरा है कंज्यूमर ग्रेड कैमरा है सोनी का A6300 और जिसका 50 mm के लेंस से ये दोनों फोटो खींची गई। तो अभी ध्यान से देखो, हम इस इमेज पे जाते हैं, ध्यान से देखते हैं तो बीच में इतना ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, बट अगर साइड्स में देखें हम ऊपर और नीचे दोनों हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों साइड्स पे, तो एक बेंड आ रहा है, बेंड दिख रहा है ये, तो ये बेंड इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। ये हमारी ग्रिड लाइंस क्यों यूज होती हैं, ये ग्रिड लाइंस हमारी इसलिए यूज होती हैं कि हम जो डिस्टॉर्शन है उसको अनडिस्टॉर्ट कर सकें, क्योंकि हमारा क्या होता है मोस्टली पाइपलाइन के हिसाब से हमारा काम क्या होता है, ये जो हमारी लाइंस हैं इनको हम अनडिस्टॉर्ट करके सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद इस पे हमको जो काम करना है वो हम काम करेंगे एज इन पेंट या रोटो या कुछ भी इसमें अगर अटैच करना है लाइक CG एज वेल, उसके बाद इसको वापस हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना होता है, हमको कैमरे के थ्रू पहले तो हम लोग देखते हैं सब कुछ बिकॉज दैट इज द रियलिटी फॉर अस, फिर हमको उसी नेचुरल फॉर्म में उसको वापस लेना पड़ता है एडिट करने के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये लाइंस जो हैं इनको अनडिस्टॉर्ट करते हैं, सीधा करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड उसके बाद फिर वापस डिस्टॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमको वही चाहिए होता है, उसमें अगर हमने कोई एलिमेंट डाल दिया साइड पे उसका अनडिस्टॉर्ट करके तो एलिमेंट भी थोड़ा मुड़ जाएगा कैमरे के हिसाब से। ऑलराइट, तो वो इसीलिए हम लोग ये ग्रिड यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जिस कैमरे से हमने शूट किया अपने शॉट को उस कैमरे
से हम एक ग्रिड की फोटो भी ले लेते हैं, क्योंकि ग्रिड को अनडिस्टॉर्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन यूज करना ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ जो हमने फुटेज कैप्चर की है उसको, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रिड में बेसिकली लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे। अगर हम फोटो को भी देखें तो हम किसी फोटो एज इन अगर हम किसी इमेज सीक्वेंस को देखें या हमने जो भी शूट किया है कोई शॉट, तो उसमें हमको लाइंस मिलना की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंपैरेटिवली कम, राइट। तो हमें इसीलिए इसका काम आता है, तो इसीलिए हम ग्रिड की फोटोज उस कैमरे से खींच के रखते हैं ताकि हम क्लिक करके रखते हैं ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो अनडिस्टॉर्ट या डिस्टॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक पाइपलाइन में एक टास्क है हमारा जो हमको करना होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू कंपैरिजन बिटवीन टू कैमरास, अब देखो तो ये कैमरे का एक फीचर है जो होता ही है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा ऐसे करके तुम्हें साइड्स पे हमेशा बेंड दिखेगा, हमेशा देखना कॉन्वेक्स लेंस अगर तुम्हारे पास है तो। सारे जो मेन कैमरे तुम्हारे मोबाइल का लेकर के एनी कैमरा एनी DSLR दैट यू टेक इट्स ऑल कॉन्वेक्स लेंस, और उसमें साइड पे जब जाओगे तुम तो यू विल ऑलवेज सी अ लिटिल बेंड, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। तो उसको हम अनडिस्टॉर्ट करके स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट करने के बाद हम उसको उस पे जो भी एलिमेंट हमको डालना है 2D एलिमेंट 3D एलिमेंट उसको करने के बाद वापस ऑल टुगेदर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द अदर एलिमेंट्स हम उसको वापस डिस्टॉर्ट करते हैं, हाँ, ताकि वो रियलिस्टिक लगे, ऐसा लगे कि इसी कैमरे से खींचा गया है और यहीं पे था। तो यहाँ पे मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक है हमारा सोनी A6300 फेस मतलब कैमरे से DSLR से, जो कि अच्छा कैमरा है, इट्स नॉट अ बैड कैमरा मेरे हिसाब से, इसका सेंसर आई थिंक इट हैज अ फुल सेंसर और ये शूट करता है फुल HD, ठीक है। दूसरा हमारा जो इमेज है वो है हमारा रेड कैमरा से, अगर तुम लोगों ने सुना है, इट्स अ प्रोफेशनल कैमरा, वन ऑफ द प्रोफेशनल कैमरास, एक हमारा सोनी के भी एक लाइन है प्रोफेशनल कैमरास की, वो है ये A6300 उसमें नहीं आता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड है, एंड रेड के ही तरह बाकी हैं ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक पॉकेट है, एंड देन RE कैमराज है, ये सब हमारे प्रोफेशनल कैमराज हैं जो एक बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज या फुटेज देते हैं। अब इनका क्या हाई क्वालिटी है और क्या फर्क पड़ता है वो देखो, तो हम इसको पहले देखते हैं सोनी का हमारा, तो सबसे पहले हम इसको कम कर देते हैं, ये यहाँ पे जो 10 है इसको अगर हम 1 करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज केवल एक ही दिखाएगा एट अ टाइम, ऑलराइट। तो इसको हमने डबल क्लिक किया तो अभी देखो डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज खुली जो रीड नोट की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें हमें क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, जो नॉर्मल ऑप्शन हमारे रीड नोट में आते हैं, एक फॉर्मेट हो गया, एंड देन फ्रेम रेंज, ओरिजिनल रेंज क्या है, एंड डिकोडर क्या है, कलर स्पेस क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट, ये हमारा इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अभी जैसे ये हमारे प्रोफेशनल कैमरा से और इसका फॉर्मेट भी देखो अलग है, इसका फॉर्मेट है डॉट रेड, तो ये रेड का अपना कस्टम फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज हमारी A6300 की है, अभी जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज खुलेंगी, तो वो कैसी लगती हैं, तो अभी देखो ये सब तो नॉर्मल है जो हमारा आ रहा है, उसके बाद शुरू होती हैं रेड के ऑप्शंस, ठीक है। इसमें इमेज पाइपलाइन है, ये दो डिफॉल्ट में आती हैं जो, उसके बाद ये ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा GPU यूज़ करना है, तो मेरा GPU ये है तो वो इसको यूज़ करने के लिए पूछ रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं उसको नहीं यूज़ कर रहा। अभी वापस हम जिसको जाते हैं डिकोडिंग पे, तो डिकोडिंग हम इसका क्वालिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से, अभी मैं इसको फुल रहने देता हूँ, पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं, तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा फुटेज है, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कैमरे का फुटेज है, एंड इसमें बहुत डिटेल्स हैं और इसके रीड नोट में ही इतना कुछ है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसका एडवांटेज होगा। तो ये डिकोडिंग थी, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर फुटेज का हम क्वालिटी कम या ज़्यादा कर सकें, ठीक है। उसके बाद HDRX आया, HDRX में फिर अगेन ब्लेंडिंग मोड और मैजिक, ये अलग अलग ऑप्शन हैं जो यूज़ करते हैं, पर अभी इसको हम डिफॉल्ट पे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब लुक पे हम अगर गए तो लुक पे हमारा पूरा खेल है। अब इसमें क्या है, एक तो रेड के खुद के कलर स्पेसेस होते हैं, तो ये देखो यहाँ पे कलर स्पेस है, तो अभी
डिफॉल्ट हमारा रेड कलर 3 पे है, इसके और भी कलर स्पेसेस क्या है, रेड कलर 2, रेड कलर, फिर ड्रैगन ड्रैगन कलर प्रो, फोटो आरजीबी, रेक 2020, मतलब ये सब स्टोर्ड इसमें है। इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क इसमें आता है, किसी में किसी में नहीं आता। तो अभी इसको भी कलर स्पेस को भी हम डिफॉल्ट में रहने देंगे। इसके नीचे हम आते हैं, नीचे आएंगे तो ये केल्विन, तो ये केल्विन इज द मेजरमेंट है ये तुम्हारा टेम्परेचर का। ऑलराइट, तो अभी किसमें सेट है, 5600, ठीक, इट इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर 5600 पे है। अब इसको हम कम ज्यादा करते हैं तो इस हिसाब से इस पूरे सीन की टोन बदलेगी। तो अभी 56 पे है, अगर हम स्लाइडर को लेफ्ट पे मूव करते हैं तो टोन देखो क्या हो रही है, टोन चेंज हो रही है, ठीक है, दिखा। तो वो था दिन का वक्त 5600, 5600 पे हम लोग वापस जाते हैं तो ये दिन का वक्त है। अब जैसे ही हम लोग मान लो 3000 केल्विन पे जाते हैं तो क्या फर्क आएगा, 3000 केल्विन पे ये देखो, ये थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन हमें मिला हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम अगर 56 से ऊपर जाते हैं, अगर हम कर देते हैं 7000, तो और वार्म हो गया वो कंपेरेटिवली, 56 ये है एंड 8000 मान लो अगर हम करते हैं तो अब ये है 8000 में और ज्यादा ब्राइट हो गया, मतलब ब्राइट एज इन और वार्म कलर्स की तरफ जा रहा है वो। ऑलराइट, इसी तरह से इसमें टिंट का ऑप्शन है, जो टिंट हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, टिंट चेंज कर सकते हैं। तो टिंट हम बेसिकली देखा होगा मूवीज वगैरह में, जैसे कॉन्स्टेंटीन मूवी थी तो उसमें ऑल थ्रू आउट टिंट चेंज हो रहे थे हर एक सीन के, जैसे ब्लू टिंट आ रहा था, ग्रीन टिंट आ रहा था, देन रेड टिंट आ रहा था। देखिए कॉन्स्टेंटीन सबने, सिन सिटी देखिए किसी ने, या फिर अमीलिया, या फिर बुदापेस्ट, तो ये सब जो मूवीज मैं बता रहा हूँ इसमें टोन का बहुत यूज किया गया है एडिटिंग में, तो उसमें टिंट बेसिकली चेंज होती है, तो वो क्या है एक ड्रामेटिक लुक देता है सीन को, ठीक है। तो ये टिंट यहाँ से होगा, टेम्परेचर यहाँ से होगा, एंड आईएसओ तो सबको पता ही होगा। अब अगर हम आईएसओ ज्यादा करते हैं, 2500 करते हैं, 2500, ये देखो पूरा सीन बहुत ब्राइट हो गया कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वापस हम 800 पे आते हैं एंड देन उसके बाद हमारे पास और भी कंट्रोल्स हैं। ये हमारा लट है, लुकअप टेबल कंट्रोल, डीआरएक्स एंड एक्सपोजर, बेसिकली एक्सपोजर हमारा एक मेन हो गया। एक्सपोजर हम लाइट का इफेक्ट ज्यादा या कम करने के लिए, ठीक है। एंड देन शार्पनेस, डी नॉइज एंड डिटेल, ये अदर ऑप्शंस हैं। इसके बाद भी हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से लिफ्ट, गामा और गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिफ्ट हमारा ये है, ओ अभी डिसेबल्ड है लिफ्ट, आई गेस। सर ये सब ऑप्शंस में वो उस नोड पे डबल क्लिक करके दिखते हैं ना सब ये ऑप्शंस तुम्हें नॉर्मल फुटेजेस जो तुम लोग जिस पे काम करोगे उसमें नहीं दिखेगा। जैसे दिस इज वन ऑफ द फुटेजेस जिसमें हमें ये डिकोडिंग, एचडीआरएक्स लुक और ये सब का ऑप्शन नहीं आएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिस इज फ्रॉम अ प्रोफेशनल कैमरा। ओके ओके, नहीं नहीं पर मैं पूछ रहा था कि ये जो कैमरा के जो जो फुटेजेस रहते हैं उस पे अगर हम डबल क्लिक करें तो वो सब प्रॉपर्टीज आ जाते हैं ना। हाँ, तो डबल क्लिक जैसे हम करेंगे तो प्रॉपर्टीज पैनल पे प्रॉपर्टीज खुलेगी। हाँ हाँ, वही सर वही पूछ रहा था। हाँ तो ये ठीक है। तो फिर वो दूसरे उस दूसरे फुटेज पे क्यों नहीं आ रहा है वो? क्या ये ऑप्शंस ये वाले? नहीं नहीं, वो दूसरे आपके लेफ्ट में जो दूसरा फुटेज है ना। हाँ, ये वाला आ तो रहा है। तो देखो अभी सेम ये नहीं आ रहे। तो रीड 6, रीड 5,
ठीक है, ये यहाँ पे देखना, तो अभी रीड सिक्स पे क्लिक किया है तो रीड सिक्स की प्रॉपर्टीज आ रही है, रीड फाइव पे क्लिक करेंगे तो रीड फाइव की प्रॉपर्टीज आई है। तो सिंस ये हमारा प्रोफेशनल कैमरे का फुटेज है, इमेज है, तो हमको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं क्योंकि इसमें ये अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये एक है जो इम्पोर्टेंट है। और तो फिर अगर सर मुझे वो फुटेज कलर करेक्शन करना, उसका कलर करेक्शन करना होता, किसका कलर करेक्शन फिर हम लोग मैन्युअली करेंगे। ओके ठीक है, तो ये तो इसलिए दे रखा है ताकि हम इमेज में ही जाकर के कर लें, क्योंकि उसमें वो ऑप्शंस देते हैं कई बार, क्योंकि ये ऑप्शंस इसमें इसलिए होता है जो हमारे आई कैमरा है या रेड है या और बाकी प्रोफेशनल कैमरा है, इसमें इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है शूट करते करते हो गया शूट एंड एवरीथिंग, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जब जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमको इस टाइम ऑफ द डे करना चाहिए था, अभी तो ये हो गया है, अब इसका क्या करें। तो मतलब वो कैमरा वाले जैसे फोटोशॉप में जैसे, हाँ तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं जो डिफॉल्ट में इसमें रहते हैं, तो डिफॉल्ट में अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा एडवांटेज रहती है उसमें। ठीक है, तो ये फर्क हुआ एक प्रोफेशनल कैमरे के इमेज में, और ये है हमारा नॉर्मल कैमरा, एक DSLR कैमरा जिसमें हम करते हैं काम। तो हमारा मोस्टली काम हमारा स्टूडियोस में ऐसे कैमरे से आता है, आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आरी, बट ऐसा मैं कह भी नहीं सकता लाइक बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, क्योंकि बहुत से लोग सोनी पे भी करते हैं, कैनन पे भी करते हैं एंड और भी हैं कैमरेज इन पे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस हुआ उन दोनों के बीच में। एक हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, हमारे CG रेंडर पासेस। तो आजकल हमारे पास स्टूडियोज में जो भी CG रेंडर पासेस निकल रहे हैं वो हमारे निकलते हैं OpenEXR। तो OpenEXR में क्या होता है, OpenEXR अगेन मैं जैसे कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस रेफरेंस में CG पासेस में हाउ डज इट स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग देखते हैं कैसे। तो हम जैसे इसको व्यू करते हैं तो ये एक एलियन का CG एलियन है, उसका पास है यहाँ पे, तो ये हमारा रेंडर है जो हम देख रहे हैं। अब इसमें पासेस हम कहाँ से देखेंगे, तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो तो नॉर्मली आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन हमें एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इसके जो चैनल्स हैं वो हम और कहाँ देख सकते हैं, अगर हम व्यूअर पे जाएं, व्यूअर पे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ये चैनल्स वाला एक टैब है, अगर ये RGBA पे हवर करोगे तो चैनल्स वाला टैब है, इस पर जैसे क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत ढेर सारे चैनल्स के। अब तुम सोचोगे कि अगर ये यही अगर नॉर्मल में भी आ रहे हैं तो कैसे, तो हम कैसे करते हैं, इस पे कंपेयर करते हैं, हम इस पे जाते हैं, इस पे व्यू करते हैं और फिर इसके चैनल्स पे जाते हैं। तो अभी देखो ये हमारा नॉर्मल सेटअप है जो हमें दिखेगा। ठीक है, ये हमें नॉर्मल सेटअप हमारा ये दिखेगा, RGBA अल्फा और अदर चैनल्स, जो कि नॉर्मल हमेशा हमारा रहता ही। बट अगर हम CG पे जाते हैं यहाँ पे जो रेंडर हमारा निकला है और इसके चैनल्स पे जाते हैं तो हमें देखो और ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये जो चैनल्स हैं वो हमने CG एप्लीकेशन जैसे माया या मैक्स में क्रिएट किया है, और उसके बाद रेंडर करते वक्त हमने ये दिखाया उसको ऑपरेशन के लिए बोला है कि रेंडर करते वक्त ये सारे चैनल्स उसमें स्टोर रहेंगे जो हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग शॉट्स हैं। तो अगर मान लो मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले प्लेट शॉट है, अगर इसको आइसोलेट इधर चैनल में अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अभी हमको ये क्या दिखाएगा, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो दिखाएगा। तो प्लेट शॉट मतलब ये, तो इसने क्या किया है, इस प्लेट शॉट को उस चैनल में डाल दिया है एज एन एडिशन, तो वो हमको RGBA में दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग RGBA ही देख रहे हैं यहाँ पे, बट हमें क्या दिख रहा है, हमें चैनल कौन सा दिख रहा है, प्लेट शॉट। ऐसी करके अगर हम रिफ्लेक्शंस देखेंगे तो रिफ्लेक्शंस हमारे ये देखो दिख रहा है रिफ्लेक्शंस, ये हमारे जो एलियन है उसका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एलियन हमारा जो एलियन का रेंडर था वो लेफ्ट हैंड साइड पे था स्क्रीन के, समझ में आ रहा है।
तो बेसिकली जो रेंडर पासिस हम लोग निकालते हैं, हम लोगों ने रेंडर पासिस का किया है शायद, कि रेंडर पासिस बनाते कैसे हैं माया में, रेंडर एलिमेंट्स में जाकर के एंड देन वी ऐड रेंडर पासिस। ठीक है, कुछ रिकॉल हो कि नहीं? रेंडर पासिस एक बार देखना पड़ेगा तुम लोग को। तो उसमें बेसिकली माया में हम लोग जा करके जो रेंडर सेटिंग्स होती हैं उसमें एक और टैब होता है रेंडर एलिमेंट्स करके, तो उसमें हम लोग ये सारे चैनल्स जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं या एडिशनल चैनल्स वो हम ऐड करते हैं, ताकि रेंडर करते वक्त जो भी हमारी फुटेज निकल रही है, जिसका भी फॉर्मेट हम हमेशा ओपन ही एक्सआर रखेंगे, उसके अंदर ये सब स्टोर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन हो रही है एनीवन? हाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, पर अभी हाँ जब बताओ करने लगूंगा बताओ ना। तब पता चल जाएगा। हाँ बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है। पर आपने अभी जो रेंडर प्रोसेस का बताया वो नहीं समझा। हम लोगों ने रेंडर पासेस का जो हम लोगों ने वीरे किया है, इतना याद है? वीरे हाँ हाँ सर, किया है, उसमें हम लोगों ने रेंडर किया है, रेंडर एलिमेंट्स ऐड किए हैं, याद है? स्पेक्युलर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब याद है? तो हाँ सर, हाँ रेंडर एलिमेंट्स में हम लोग करने के बाद उसको EXR फॉर्मेट में रेंडर आउट करते हैं, इतना याद है? हाँ सर, तो वो जब भी हम यहाँ पे लाएंगे ना उस रेंडर को, उसके बाद हम जब इस चैनल टैब पे जाएंगे तो हमको वो सारे पासेस यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग नाम से हैं, बट हमने जो जिस नाम से उसमें निकाला है उस नाम से हमें दिखेगा, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पेक्युलर, ओके डिफ्यूज, वो सब। तो ये हमको वहां दिखता है। ठीक है, इसको कैसे आगे यूज करना है, इसकी एप्लीकेशन वो और भी है क्लास आगे उसके लिए। ठीक है, तो अभी बस हमको ये समझना है कि ये क्लास है केवल समझने के लिए कि इमेज फॉर्मेट्स होते कौन कौन से हैं और किसमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली अगर सीजी रेंडर पासेस हैं डॉट exr फॉर्मेट में, तो हमारे पास चैनल्स होंगे मल्टीपल, जिसमें कि अलग अलग चैनल्स होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूज, स्पेक्युलर, डेप्थ वगैरह वगैरह। ठीक, एंड कंपैरिजन हमारा क्या हुआ दो कैमरेज के बीच में, एक प्रोफेशनल और एक कस्टमर ग्रेड का। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंस पता चली किसकी, ग्रिड की, क्यों करते हैं हम। ठीक है, एंड देन HDRI इमेजेस या EXR इमेजेस या कोई भी इन जनरल जो हाई रेंज इमेजेस होती हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। समझ में आया? एक बेसिक आइडिया समझ में आया इमेज फॉर्मेट्स का, जो हमको ध्यान देना है बेसिकली। पक्का? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी इसको अगर तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस पे रिसर्च करो, इसको देखो क्या होता है, HDRI इमेजेस क्या होती है, ग्रिड इमेजेस कैप्चर कर सकते हो इसका, तो तुम लोग को बहुत ही सिंपल वो है कि क्यों यूज होता है, रीजन एंड कंपैरिजन बिटवीन, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया है होपफुली, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड क्वालिटी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली। और फिर CG रेंडर पासिस, ये बेसिकली देख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी क्लास इसलिए है, इसको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सर आगे धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे सब कवर अप होगा। ठीक, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।